मुंबई के गोवंडी इलाके में वीके इंग्लिश स्कूल की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर मुशायरा और नशे के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता को जागरूक करने के लिए मुशायरे और तरह तरह के नाटक पेश कर नशे से दूर रहने के लिए संदेश दिया गया। वहीं गोवंडी इलाके में युवा किस तरह से नशे के अधीन होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की गई। 15 अगस्त 26 जनवरी, इसके अलावा भी दूसरे प्रोग्राम सोशल प्रोग्राम करते रहते हैं। एक दिन पहले इसलिए रखा गया कि 26 जनवरी को सभी लोगों के प्रोग्राम होते हैं, लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पाते, इसलिए हमने सोचा कि एक दिन पहले ख़ास तौर से जो नशा मुक्ति के खिलाफ जो ड्रामा है, इस मामले को, अहम मामले को, नशा के खिलाफ जो मुहिम शुरू की जानी चाहिए थी, उसका एक हिस्सा बनते हुए ख़ास तौर से इस ड्रामे को पेश करने के हिसाब से हमने एक दिन पहले 26 जनवरी का प्रोग्राम बनाया। लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी उन्होंने मेहनत की, साथ ही साथ स्कूल के बच्चों ने जिस हिसाब से प्रोग्राम पेश किए, लोगों के दिलों को उन्होंने छुआ, लोगों ने काफ़ी सराहा। सभी पेरेंट्स यहाँ रहे, स्कूल के हमारे स्टाफ ने, खासतौर से मेरी बेटी सलाना खान जो एसके एकेडमी के सदर भी हैं और स्कूल के जिम्मेदार भी हैं, अच्छी मेहनत की, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और आज दिल की गहराइयों के साथ सभी देशवासियों को, सभी लोगों को 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी रहा कि जैसे आप देख सकते हो कि एक महामारी के तौर पे नशे की जो लत है वो फैली हुई है, खास करके गोवंडी का जो स्लम एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लत लोगों को नशे की लग चुकी है। और अगर हमने इस वक्त अगर ये कार्य नहीं किया, ये कदम नहीं उठाया, तो कहीं जाकर ये हमारे लिए ही नुकसान होगा, क्योंकि ये स्कूल यहाँ पे चल रहा है, स्कूल चलाते वक्त कितनी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ता है इस नशे की लत की वजह से। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम एक एक मोहल्ले में इस तरह से अगर मॉब अवेयरनेस क्रिएट करते जाएंगे, तो ये मोहल्ला कहीं ना कहीं शहर को अच्छा करेगा, ये शहर कहीं ना कहीं इस पूरे राज्य को अच्छा करेगा, और राज्य जाहिर सी बात है कि देश को अच्छा करेगा। तो देश की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, इसी पैगाम के साथ आज का ये प्री सेलिब्रेशन डे हमने रखा था।